हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर इस्माइल। वे ऑप्टिक्स पार्ट थ्री करेंगे अभी हम लोग। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट थ्री में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद पार्ट डिफरेंस लैम्डा इज एम यूनिट्स। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई थ्री इज। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिया हुआ है, ये कि एक इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस जो था दो वेव का वो लैम्डा था, तो वहाँ पर इंटेंसिटी जो लाइट की इंटेंसिटी एम यूनिट्स थी। सो व्हेन पार्ट डिफरेंस वाज लैम्डा, इंटेंसिटी इज एम यूनिट्स। सो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी व्हेन द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई थ्री। ओके, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या क्या लिखेंगे, आई लैम्डा मतलब इंटेंसिटी एट लैम्डा इज एम। तो हमें इंटेंसिटी एट लैम्डा बाई थ्री फाइंड करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है, वी आर गिवन द पार्ट डिफरेंस। ओके, बट इंटेंसिटी कैलकुलेशन में वी नीड द फेज डिफरेंस। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट द पार्ट डिफरेंस टू फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। सो पहले केस में पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, तो हम 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू लैम्डा करेंगे तो वी गेट 2 पाई। ओके, नाउ वी फाइंड द इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, जो हम एक्चुअली हमें दिया है मगर इन टर्म्स ऑफ आई फाइंड करना है हमें। ओके, सो वी हैव दिस फॉर्मूला, आई आर रिजल्ट इंटेंसिटी इज आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। तो लेट अस एज्यूम आई वन आई टू इक्वल टू आई, तो आई लैमडा क्या हो जाएगा, आई लैमडा इज आई प्लस आई प्लस टू अंडर रूट आई आई इंटू कॉस फाइव की जगह कॉस टू पाई आ जाएगा। नाउ कॉस टू पाई इज वन, तो ये जो भी कैलकुलेट करेंगे हम इसमें, हम देखते हैं कॉस टू पाई इज वन, सो टू आई प्लस टू आई इज फोर आई। तो वॉट वी गेट इज आई लैमडा इज फोर आई, मगर आई लैमडा हमको दिया इक्वल टू एम है, तो I क्या हो जाएगा, I इज एम अपॉन फोर। नाउ वॉट इज I लैमडा एंड वॉट इज I, I लैमडा इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द टू इंटरफियरिंग वेव्स, एंड I जो I दिया हुआ है इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव। ओके, तो अब हमें दूसरा पार्ट, एक्चुअली मेन तो हमें ये फाइंड करना है I लैमडा बाई थ्री फाइंड करना है। तो I लैमडा थ्री के लिए फिर हम भी कैलकुलेट करेंगे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फेज डिफरेंस टू पाई अपॉन लैमडा इनटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई थ्री दिया हुआ है, लैम्डा लैम्डा कट हो जाएगा, बचेगा टू पाई अपॉन थ्री। फिर हम यही फॉर्मूला जो यहाँ पर ऊपर यूज़ किए थे रिजल्टेंट के लिए, ये फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर आई लैम्डा बाई थ्री हो जाएगा, आई आई सब सेम रहेगा, कॉस टू पाई की जगह कॉस टू पाई बाई थ्री आ जाएगा। नाउ कॉस टू पाई बाई थ्री इज माइनस हाफ, सो व्हेन वी पुट दिस फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला जब पुट करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें आई लैम्डा बाई थ्री इक्वल टू आई। ओके, मगर आई हमने कैलकुलेट कर चुके, आई इज एम बाई फोर, तो हमारा जो आंसर रहेगा आई लैम्डा बाई टू इज एक्चुअली एम बाई फोर। सो ये हमारा आंसर एम बाई फोर आ जाएगा। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड, ये हमारा आंसर एम बाई फोर है। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ्स इन द रेशियो 81:1, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द लाइट वेव्स इज। तो हमें क्या दिया है, हमें विड्थ, विड्थ क्या होता है, जैसे एक हमारे पास एक विंडो है, विंडो जितना ज़्यादा खुलेगा उतनी लाइट ज़्यादा पास होगी, तो उसी तरह से जब लाइट पास होती है तो स्लिट्स के थ्रू पास होती है, स्लिट्स जितनी ज़्यादा खुलेंगी उतना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो हमारे पास जो दो स्लिट है उसका जो रेशियो है 81:1 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या रहेगा। ओके, सो ये हमारे पास कभी भी जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले देख लो हमें दिया क्या है। तो वी आर गिवन दिस फॉर्मूला, वी आर गिवन दिस बीटा वन, बीटा वन इज द विड्थ ऑफ द फर्स्ट स्लिट, बीटा टू द सेकेंड स्लिट, ये रेशियो हमें दिया हुआ 81:1। ओके, नाउ ये हमें मालूम होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू विड्थ, जितनी विड्थ ज़्यादा रहेगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। सो आई वन अपॉन आई टू इज बीटा वन अपॉन बीटा टू विच इज इक्वल टू 81 अपॉन 1, सॉरी नहीं, इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, तो आई वन की जगह ए वन स्क्वायर, आई टू की जगह ए टू स्क्वायर। ओके, तो ये हमें दिया हुआ 81:1, इसका हमें एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन ए वन अपॉन ए टू, तो ये फॉर्मूले को हम अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वॉट वी गेट इज
अंडर रूट 81 अपॉन 1 विच इज़ 9 बाई 1. सो इसका जो आंसर है ये 9:1 आंसर है. नाउ नेक्स्ट वन, टू कोहेरेंट सोर्सेस विद इंटेंसिटी रेशियो बीटा प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी. तो हमारे पास दो सोर्सेस हैं जिसका इंटेंसिटी रेशियो यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या रहेगा. ओके तो पहले तो समझ लो व्हाट इज द फ्रिंज विजिबिलिटी. पहले हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिंज विजिबिलिटी. फ्रिंज विजिबिलिटी एक पैरामीटर है जिससे हम इंटरफेरेंस की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो मेजर कर सकते हैं. कभी कभी क्या होगा, इंटरफेरेंस मिलेगा मगर वाइड जो बैंड है, ब्राइट बैंड एकदम ज़्यादा ब्राइट नहीं रहते और डार्क एकदम ज़्यादा डार्क नहीं रहते. समझ में नहीं आता है कि ब्राइट किनेस अच्छी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, उसका कॉन्ट्रास्ट जो सही नहीं रहेगा. तो फ्रिंज विजिबिलिटी एक पैरामीटर है जिससे हम इंटरफेरेंस कितना अच्छा हो रहा है वो उसे कैलकुलेट करते हैं. ओके तो वॉट वी आर गिवन हियर, I1 अपॉन I2 इज बीटा, बट वी ऑल्सो नो I1 अपॉन I2 इज A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर विच इज ऑफकोर्स बीटा ऊपर दिया हुआ है. नाउ वी टेक द स्क्वायर रूट, सो वॉट वी गेट इज A1 अपॉन A2 इज अंडर रूट ऑफ बीटा. नाउ वी कम टू द फॉर्मूला I max इज A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, I max इज A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर और I mean इज A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. तो वी पुट दिस थिंग्स, ये फॉर्मूला में सब पुट रख हम करेंगे. तो ये न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4A1A2 और डिनोमिनेटर मिलेगा 2 into A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. ओके तो 4 2 1 2 2 4 तो ये हमें फाइनली ये मिलेगा. ओके ये फॉर्मूला मिलेगा. अब इसको हमें एक्चुअली कन्वर्ट करना है ये फॉर्म में, बीटा के फॉर्म में चाहिए क्योंकि आंसर हमारा बीटा के टर्म्स में है. तो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है ना यहाँ पर, यहाँ जो लास्ट में मिला है, इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को A2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. ध्यान रखो क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को A2 स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमको फाइनली मिलेगा. ओके 2A1 अपॉन A2 और A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यहाँ 1 क्योंकि ये A2 स्क्वायर है तो इसको भी हम A2 1 1 1 हो जाएगा ये, बट A1 अपॉन A2 इज रूट ऑफ बीटा और यहाँ पर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर हो जाएगा बीटा. ओके तो दिस इज व्हाट वी गेट, 2 रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1. तो ये हमारा जो आंसर रहेगा, दिस वन इज द आंसर. ओके ये हम आंसर 2 बीटा, यहाँ पर ए आंसर है 2 अंडर रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. नाउ नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज 25:9. द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स आर. तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, वी आर गिवन द मैक्सिमा मिनिमा इंटेंसिटी एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट. ओके तो ये भी काफ़ी आसान है. वी आर गिवन IMX अपॉन IMIN, हमको beta 1 अपॉन beta 2 कैलकुलेट करना है. ओके तो IMX मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, IMX अपॉन IMIN का फॉर्मूला ये A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन माइनस A2 द होल स्क्वायर विच इज़ गिवन एस 25:9. ओके तो अब ये जो फॉर्मूला को हम आगे लेके जाते हैं, ओके ये वाले को, तो ये इसको अगर हम इसको स्क्वायर रूट फाइव, बिकॉज स्क्वायर को हटाना है हमें, तो वी टेक द स्क्वायर रूट तो वी गेट 5/3. वी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो पूरा फॉर्मूला जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो टर्म्स सेम टर्म्स को यहाँ पर ले लेंगे तो वॉट वी गेट इज A1 अपॉन A2 इज 4. ओके फाइनली हम आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप देख सकते हो इसमें, आप खुद भी सॉल्व करके देखना इसे, ठीक है. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सिर्फ वीडियो मत देखो बल्कि इसको अपने हाथ से सॉल्व भी करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको. तो A1 अपॉन A2 जो मिलेगा हमको 4 मिलेगा. ओके मगर हमको पता है बीटा का, पहले इसके पहले वाले प्रॉब्लम में देखा, तो इसके पहले के पहले वाले में, दैट beta 1 अपॉन beta 2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर. ओके तो हमको मिलेगा ये 4 का स्क्वायर 16, नीचे तो 1 ही, तो 1 ही रहेगा, तो beta 1 अपॉन B2 इज 16:1. ओके सो ये आंसर 16:1 मिलेगा हमें. ओके नाउ फिफ्थ वन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 mm एंड स्क्रीन इज प्लेस 1.4 meters अवे. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 cm. द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट इज. तो इसमें जो जो हमें दिया हुआ है पैरामीटर, जो जो चीज़ें दी हुई है उसे पहले लिख लेंगे. हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, सो वी आर गिवन स्मॉल डी. कभी भी ध्यान रखना स्मॉल डी बहुत छोटा रहेगा, मिलीमीटर्स में रहेगा, कैपिटल डी काफ़ी ज़्यादा रहेगा. ये देखो दिख रहा है 1.4 meters. ओके और ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं. ओके सो व्हाट वी आर गिवन इज डी. ओके
स्मॉल डी दिया हुआ है हमें 0.28 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डी भी दिया मीटर्स में, एक्स फोर दिया, फोर्थ हमें फ्रिंज दिया हुआ है, ब्राइट फ्रिंज, ओके, और एन फोर दिया हुआ है। तो दिस इज द फॉर्मूला, एक्स एन इज इक्वल टू एन लैमडा डी अपॉन डी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो लैमडा कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो काफ़ी आसान है, ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन, ओके। तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे, यू विल गेट 6 × 10⁻⁷ मीटर्स। तो पहले एक बात ध्यान रखना कि सब फॉर्मूलाज जो है उसको, जो भी हमें जो दिया हुआ है डेटा, उसको सही यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना, ओके। नाउ नंबर 6, द स्लिट्स इन यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इफ पाथ डिफरेंस एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज जीरो, वॉट इज द पाथ डिफरेंस फॉर लाइट फ्रॉम द स्लिट्स एट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ओके। तो हमें क्या दिया है ये केस में, ओके, ये देखो, ये हमें दिया है कि ब्राइट फ्रिंज है, ओके, तो द पाथ डिफरेंस एट द सेंटर इज जीरो, ठीक है ना, जो सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जीरो है, तो हमें फोर्थ ब्राइट फ्रिंज चाहिए। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करेंगे, वो चार लैम्डा आगे रहेगा, है ना, चार वेवलेंथ आगे रहेगा, ओके। तो जो वेवलेंथ हमको दिया है, वेवलेंथ 6000 दिया हुआ है, ओके, तो हम क्या करेंगे, फोर को हमें फाइंड करना पड़ेगा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का, तो 4 × λ कर देंगे, तो व्हाट वी गेट इज 2.4 × 10⁻⁶ मीटर आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ 7th, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डी, ओके, द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स, इफ अ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज इज, ओके। तो इसके लिए हमें डायग्राम देखना पड़ेगा पहले, तो दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम समझ लो आप, ओके। तो हमें यहाँ पे ये दो स्लिट है, इसके बीच का डिस्टेंस ये डी दिया है, ये डी दिया हुआ है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, हमारे हमको जो है एक, जैसे यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर एक फ्रिंज फाइंड, एक फॉर्म ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हुई है, ओके। तो कौन से ऑर्डर की फ्रिंज है ये हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एक्स जो रहेगा डी बाई टू रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से जो फ्रिंज है ना, ये पूरा डी है, ओके, ये पूरा डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ओके, ये पूरा डी है, ओके। तो अगर हम इसके सेंटर से, यहाँ से सेंटर से ऊपर जाएंगे, तो ये हाफ डी हो जाएगा, डी का आधा हो जाएगा। तो पहला जो फ्रिंज हमारा हो रहा है वो आधे डी तक है, ओके, आधे डी तक मिल रहा है, तो एक्स इज डी बाई टू, ओके। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, मगर एक्स स्मॉल एक्स इज डी बाई टू, तो ये आएगा डी स्क्वायर अपॉन टू डी, ओके। फॉर एंथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पार्ट डिफरेंस इज एन लैमडा, ओके, एंथ ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस एन लैमडा। तो हमने यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो है, ओके, सो व्हाट वी गेट इज एन लैमडा इज इक्वल टू, जो ये पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस, तो एन लैमडा इज इक्वल टू, ये दोनों सेम हो जाएगा ना, पार्ट डिफरेंस हमने यहाँ किया डी स्क्वायर अपॉन टू डी, और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला एन लैमडा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ओके, ये दोनों इक्वल, ओके, इससे हमें क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन टू डी लैमडा, ओके। देन नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैमडा वन इज एट अ डिस्टेंस वाई वन फ्रॉम इट्स सेंट्रल मैक्सिमम, एंड 5th मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ लैमडा टू इज एट अ डिस्टेंस वाई टू फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, ओके। तो हमें दो वेवलेंथ दिया हुआ है, ओके, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसमें डी भी सेम है, कैपिटल डी भी सेम है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो रही है, ओके। तो वेवलेंथ चेंज करेंगे तो नेचुरल बात है कि वो जो मैक्सिमा मिनिमा आगे पीछे होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जब वेवलेंथ लैम्डा था, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, 10th मैक्सिमम इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस वाई वन, ठीक है, और जब हमने वेवलेंथ चेंज कर दिया, लैम्डा टू कर दिया, तो वो जो है 5th मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस वाई टू, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा, ओके। सो द पोजिशन ऑफ एंथ ब्राइट फ्रिंज इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए, ओके, वाई एन इज इक्वल टू एन लैमडा डी अपॉन डी। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, लैमडा वन जो है, लैमडा वन के लिए 10th ब्राइट फ्रिंज हो रही है, तो 10 लैमडा वन अपॉन डी अपॉन स्मॉल डी, और लैमडा टू के लिए क्या हो रहा है, 5th ब्राइट ब्रांड आ रहा है, ओके, तो वाई वन इज दिस वन एंड वाई टू इज दिस वन, तो दोनों को हम रेशियो लेंगे, तो व्हाट वी गेट इज वाई वन अपॉन वाई टू इज 10/5, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैपिटल डी दोनों का सेम है, स्मॉल डी भी सेम है, सिर्फ
लैम्डा चेंज हो रहा है और ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2, 10/5 इज 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। सो दिस इज द आंसर, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए इट काफ़ी है, ओके। बाकी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।